नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा धूरिया। अगर आप मकान मालिक है तो ये खबर आपको राहत देने वाली है। हाल ही में इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल यानी कि ITAT ने एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है। इसके चलते देश के तमाम मकान मालिकों को राहत मिलेगी और उनका तनाव खत्म हो जाए। ऐसे होने वाली आय को लेकर एक मामला चल रहा था। कई बार होता है कि किराएदार किराया देने में असमर्थ रहता है, लेकिन मकान मालिक पर इनकम टैक्स किराया न मिलने के बाद उसे आय मानकर इस पर टैक्स लगा देते हैं। हाल ही में इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल की मुंबई बेंच ने किराए से होने वाली आय पर लगने वाले टैक्स को लेकर एक स्पष्ट आदेश दिया है। इस आदेश के मुताबिक अगर किसी संपत्ति के मालिक को किराएदार किराया नहीं दे रहा तो संपत्ति के मालिक को उस इनकम पर टैक्स नहीं भरना होगा। इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल की मुंबई बेंच का ये फैसला उन लोगों के लिए फायदेमंद है जिनके किराएदार कोरोना महामारी या फिर अन्य किसी कारण से अपना किराया नहीं दे पा रहे। एक तरफ मकान मालिक को किराया नहीं मिल रहा तो वहीं दूसरी तरफ उसे इस पर टैक्स की दोहरी मार पड़ रही थी, लेकिन अब ये स्पष्ट हो गया है कि अगर मकान मालिक को किराया नहीं मिल रहा तो वो इनकम टैक्स नहीं भरेगा। अब इस फैसले से देश के लाखों मकान मालिकों को राहत मिलेगी। बता दें, कोरोना काल में कई मकान मालिकों को किराया नहीं मिल रहा था, लेकिन इसके बाद भी उनको टैक्स भरना पड़ रहा था। आपको बता दें, इस नए आदेश के मुताबिक ITAT ने कहा कि अगर कोई किराएदार 12 में से सिर्फ 8 महीने का किराया देता है तो टैक्स पेयर्स को सिर्फ 8 महीनों की इनकम पर ही टैक्स भरना होगा। इस मामले पर ITAT ने कहा कि किराए पर तभी टैक्स लगाया जाना चाहिए जब टैक्स पेयर को किराया मिला हो या फिर किराया मिलने की उम्मीद हो। इसके अलावा अगर किराएदार से किराया मिलने की कोई उम्मीद नहीं है तो ऐसे में किराए पर इनकम टैक्स की तरफ से कोई कर लगाया जाना पूरी तरह से गलत और अवैध है और ऐसा एडिशन डिलीट किया जाए। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।